बचपन में मैं हमेशा यह सोचता था कि आखिर ये नंबर खत्म कब होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते वो कौन सा आखिरी नंबर होगा जहां पर गिनतियां खत्म हो जाएंगी। बल्कि बाद में मुझे पता चला कि ये गिनतियां तो कभी खत्म नहीं होती बल्कि निरंतर बढ़ती रहती हैं। जब मैंने अपने क्लास टीचर से ये पूछा कि आखिर ये नंबर खत्म क्यों नहीं होते, तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे बताया कि काउंटिंग एंडलेस यानी इनफाइनाइट होती हैं। यह शब्द मैंने पहली बार सुना था, तो मैंने उनसे पूछा आखिर ये इनफाइनाइट और इन्फिनिटी क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्फिनिटी जो कभी गिना ना जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। इस छोटे से उत्तर ने मुझे मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया, और यही कारण है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। कई सदियों से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ग्रीक फिलोसफर्स और मैथमेटिशियंस के बीच पैराडॉक्सेस और मिस्ट्रीज से भरा हुआ रहा है। प्राचीन खगोलकर्ता यह मानते थे कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड भी इनफाइनाइट यानी अनंत है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना यह था कि यूनिवर्स अनबाउंडेड है यानी यूनिवर्स बिना सीमा के एग्जिस्ट करता है। उनका मानना यह था कि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार के साथ इनफाइनाइट लाइफ पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन यह सब बस अनुमानित था, कोई नहीं जानता था कि इन्फिनिटी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं या यूनिवर्स की लेंथ और वॉल्यूम इनफाइनाइट है, और क्या स्पेस बढ़ता चला जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, और उससे भी ज्यादा वो उसके शेप को लेकर परेशान थे कि क्या ये यूनिवर्स कागज के पीस की तरह फ्लैट हो सकता है या एक बॉल की तरह गोल हो सकता है। और बाद में हमें ये पता चला कि यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी भी कोई लिमिट है। इसलिए हम यह भी जानते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइटली ओल्ड नहीं है बल्कि 13.8 बिलियन ईयर्स ही पुराना है। बिग बैंग के दौरान जो ऊर्जा एमिट हुई थी, जिसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, उसने हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अनुसार 13.8 बिलियन ईयर्स ही ट्रेवल किया है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि शायद हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी स्पेस हो सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा आज और अभी भी ट्रेवल कर रही है। नासा और ऐसा द्वारा यूनिवर्स के शेप को जानने के लिए 3 स्पेस टेलीस्कोप्स को कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की पढ़ाई के लिए स्पेस में भेजा गया था। यह जानने के लिए कि आखिर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का शेप क्या है, चौंकाने वाली बात यह थी कि इन तीनों ही स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स कर्व्ड नहीं बल्कि फ्लैट है। लेकिन हम अभी तक यूनिवर्स के साइज को लेकर श्योर नहीं हैं। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93.16 बिलियन लाइट ईयर्स है। ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट है लेकिन साथ ही साथ अनबाउंडेड है। ब्रह्मांड हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा विशाल है, लेकिन यह सीमित है, फिर भी हम कभी भी इसके छोर तक पहुंच नहीं सकते। इन्फिनिटी का सिंबल इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वॉलिस द्वारा साल 1655 में दिया गया था। इन्फिनिटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल इन्फिनिटी, फिजिकल इन्फिनिटी, मेटाफिजिकल इन्फिनिटी। मैथमेटिकल इन्फिनिटी को हमेशा अनगिनत या फिर एंडलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है, यानी इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे जिसका उत्तर है इनफाइनाइट, और वैसे ही कभी ना खत्म होने वाली काउंटिंग जो कि एंडलेस है। फिजिकल इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट स्पेस और टाइम के संबंध में है, यानी क्या इस ब्रह्मांड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार एग्जिस्ट करते हैं, और क्या ये ब्रह्मांड खुद इनफाइनाइट है।
यदि इन्फिनिटी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती तो चारों ओर भयंकर सर्वनाश ही सर्वनाश होता। लेकिन अभी तक इन्फिनिटीज को रियल वर्ल्ड में प्रूव नहीं किया गया। और आखिर में मेटाफिजिकल इन्फिनिटीज, इन इन्फिनिटीज में यह पूछा जाता है कि क्या कोई सिंगल एंटिटी यानी एक स्वतंत्र वस्तु भी इनफाइनाइट हो सकती है, या दो चीज़ें जो कम हैं क्या वह भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की इनफाइनाइट दूरी क्या होगी, तो आपका कहना कोई लाइट ईयर्स या किलोमीटर्स नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ mm की दूरी ही इनफाइनाइट होगी। तो ऐसी इन्फिनिटीज़ को मेटाफिजिकल इन्फिनिटीज़ कहा जाता है। दोस्तों, इन्फिनिटी को जानने के लिए हमें इसे मैथमेटिकली समझना होगा, इसलिए हम मैथमेटिकल इन्फिनिटी को अच्छी तरह से समझेंगे। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कई सालों से बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के बीच चला आ रहा है, लेकिन इसका लॉजिकली कंसेप्ट तब आया जब ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस अपनी डिस्कवरी डायगोनल एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर का मेजरमेंट नहीं कर पाए। एक्चुअली पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स का मानना यह था कि किसी भी एसेप्ट यानी प्रॉब्लम को होल नंबर से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उन्हें शौक जब लगा जब वह अपनी ही पाइथागोरस थ्योरम की मेजरेबल वैल्यू रूट टू को होल नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मॉडर्न मैथमेटिशियन इस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। रूट टू को सॉल्व करते समय हमें यह उत्तर मिलता है जो कि कभी खत्म नहीं होता। ग्रीक फिलोसोफर आर्टिस्टोल एक्चुअल इन्फिनिटी को मानते ही नहीं थे, बल्कि वह पोटेंशियल इन्फिनिटी को मानते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि लिमिटेड टाइम में एंडलेसली किसी भी चीज को काउंट नहीं किया जा सकता। फिर इन्फिनिटी स्मॉल नंबर की प्रॉब्लम के कारण 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड वेलेमैन के द्वारा कैलकुलस की खोज हुई, जिसमें हम इन्फिनिटी स्मॉल नंबर की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फिनिटी बड़ी ही नहीं बल्कि छोटी भी होती हैं, यानी एक से दो तक के बीच इन्फाइनाइट नंबर होते हैं जिन्हें हम इन्फाइनाइट स्मॉल नंबर कहते हैं। सेट थ्योरी की डिस्कवरी के बाद इन्फाइनाइट सेट को समझने में और ज़्यादा मदद मिली। सेट एक सिंपली ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिन्हें हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर हम किसी भी सेट की मैपिंग करें या करस्पॉन्डिंग उन्हें जोड़ें तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। मैथमेटिकल इन्फिनिटी दो प्रकार की होती हैं। काउंटेबल इन्फिनिटी, काउंटेबल इन्फिनिटी यानी एक ऐसी इन्फिनिटी जिसे लिखा जा सके, जैसे नेचुरल नंबर के सेट व होल नंबर के सेट को लिखा जा सकता है। हालांकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट को होल नंबर के सेट के साथ कंपेयर या मैपिंग करें, तो यह सेट बिना किसी नंबर को छोड़े या गैप के बिना पेयरिंग कर लेंगे, यानी यह दोनों सेट सेम साइज के होंगे, यानी इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी ही होता है। और यही सेम मेथड हिल्बर्ट टोटल पैराडॉक्स में भी किया जाता है, जिसमें इन्फाइनाइट मैनी रूम्स में इन्फाइनाइट गेस्ट को लिंक किया जाता है। हिल्बर्ट टोटल पैराडॉक्स को हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही यदि हम पॉजिटिव इंटीजर के सेट को ऑल इंटीजर के सेट के साथ मैपिंग करें तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी ही आएगा। तो सवाल यह है, क्या हम पॉजिटिव इंटीजर के सेट को फ्रैक्शनल यानी रेशनल नंबर के सेट के साथ मैप कर सकते हैं? ऐसा करने पर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम पहली लाइन को काउंट करना शुरू करेंगे तो वो पहली लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी हम दूसरी लाइन तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक और दो के बीच में ही बहुत सारे इन्फाइनाइट स्मॉल नंबर होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कैंटोर ने कैंटोर डायगोनल्स की हेल्प से समझाया। जैसा कि हम इस डायगोनल में इन एरर्स को देख सकते हैं, तो हमें इन फ्रैक्शंस को डायगोनली सॉल्व करना होगा, जिससे हम इन्हें ईजिली लिस्ट कर सकते हैं, तब यह कहलाएंगी काउंटेबल इन्फिनिटी। अनकाउंटेबल इन्फिनिटी,
तो अब आती हैं अनकाउंटेबल इन्फिनिटी, जिन्हें कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। रियल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सभी प्रकार के नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पाई और रूट टू इत्यादि। अब हमें यहाँ यह प्रूफ करना है कि रियल नंबर भी अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें प्रूफ करने के लिए हमें रियल नंबर के सेट को नेचुरल नंबर के सेट के साथ बाइजेक्ट करना होगा, और यह तभी मुमकिन है जब हम रियल नंबर के सेट को काउंटेबल माने। इस एज्यूमिंग को कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। यह एज्यूम करने पर कि रियल नंबर काउंटेबल हैं, तो हम इन्हें लिस्ट में डाल सकते हैं। सभी रियल नंबर को हम डेसिमल की एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, लाइक पाई और रूट की वैल्यू को। जब हम इन्हें लिस्ट में रखेंगे तो हर एक रो एक नया नंबर होगा, वह कॉलम डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अब हम हर रो के डायगोनल के एक एलिमेंट को लेते हैं और एक नया नंबर बनाते हैं। हर रो के अलग अलग डायगोनल नंबर को लेने के बाद यह नंबर खुद ही एक रियल नंबर होगा। लेकिन यह न्यू नंबर हमारी बनाई लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे खुद ही क्रिएट किया है, तो कैसे यह इस लिस्ट में मौजूद होगा? यानी पहले जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन की थी, या ये कहो एज्यूमिंग की थी कि हर रियल नंबर लिस्ट में मौजूद होगा, वह गलत है। यानी हम रियल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद से ही एक ऐसा रियल नंबर क्रिएट कर लिया जो रियल नंबर की लिस्ट में है ही नहीं, और जिस लिस्ट को हमने काउंटेबल माना था अब वह अकाउंटेबल नहीं रहेगी। इससे यह साबित होता है कि रियल नंबर अनकाउंटेबल इन्फिनिटी में आती हैं। दोस्तों, हमने मैथमेटिकल इन्फिनिटी को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया है। मेरे ख्याल से अब तक तो आप इन्फिनिटी को किसी हद तक समझ चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो के लेट अपलोड होने के कारण से मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। किसी प्रॉब्लम के चलते वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हुआ है, लेकिन आगे से हर हफ्ते आपको एक अमेजिंग वीडियो मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल साइफ़ टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नई अमेजिंग वीडियो में।